सूफियाना तबीयत, चेहरे पर तपस्वी सा तेज, सबको गले से लगाती एक पारदर्शी मुस्कान, आंखों में बच्चों से निश्चल चंचलता, पूछो तो भला कौन? देश के प्रतिष्ठित चित्रकारों में अग्रणी मंजीत बावा, चित्र संसार का अनुपम सितारा, पंजाब के धुरी गांव में जन्म लिया और दिल्ली को बनाया अपना कर्म क्षेत्र। आज 57 वर्षीय मंजीत बावा ने चित्रकला के क्षितिज पर अपनी एक अलग पहचान कायम की है। हमने चाही उनसे एक अंतरंग मुलाकात और वे सिर्फ हंस दिए। उनकी स्मृति का सागर जब हिलोरें लेता है तो वर्तमान के तट पर हम पाते हैं शंख सीपियों सरीखे किस्से, कहानियां, कविताओं और कहावतों के कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई, पहला घर दिल्ली ही देखा था मैंने। फर्स्ट होम आई रिमेम्बर इट वॉज दिल्ली, इट वॉज करोलबाग में। फिर वहाँ से देवनगर गवर्नमेंट क्वार्टर से, वहाँ से कनॉट प्लेस के पास जगह थी, वहाँ रहे। फिर ग्रीन पार्क है, दिल्ली बहुत देखी मैंने। यहाँ पर तो कैंपिंग करते थे, पीछे जाके बुद्ध विहार है, वहाँ पर कैंपिंग करते थे। कैंपिंग करके सवेरे उठ के जब आर्ट स्टूडेंट थे, लैंडस्केप करने निकलना, सारे मॉन्यूमेंट दिल्ली के पेंट किए हुए। दिल्ली इज लाइक माई सोल, यू नो, दिल्ली की हर जो चेंज है, हर पेड़ है, बहुत लगता है। ये पेड़ जब छोटा था तो ऐसा लगता था, अब 10 साल बाद 20 साल बाद बड़ा हो गया, बनाए हुए हैं। हर चीज़ की पहचान है। जैसे बच्चा माँ के सामने बड़ा हो जाता है और माँ भी बुढ़ी है, बेटा भी बुढ़ा है, तो उनको ग्रोथ पता भी लगती है, नहीं भी लगती, वैसे दिल्ली से मेरा। यूं तो मंजीत बावा की भाषा मूलतः रंगों की भाषा है, पर जब हुक उठती है तो अपने अव्यक्त संगीतकार को दबा नहीं पाते। रंगों को संवारने वाली उंगलियां सुरों को संवारने लगती हैं। दस बारह साल से जानता हूँ और इस बिखरते हुए देश में कम ही इंसान मिलते हैं जो रस की ऐसी अनुभूति रखते हों, जो कई माध्यमों को समेट लेता है। हमें अपनी संस्कृति का एहसास दिला सकते हैं इस किस्म के इंसान। मंजीत भाई को मैं 10 साल से जानती हूँ, 9 साल हो गए हमारी गैलरी खुले को। मैं उसके पहले गई थी उनसे एडवाइस लेने, जब गैलरी खोल रही थी तो किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिस दिन हम उनसे मिले थे उसी दिन से भी काइंड ऑफ हिट इट ऑफ, एंड स्लोली ओवर द ईयर्स वी हैव डिवेलप्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड बिटवीन मंजीत एंड बिटवीन मी। और हम गैलरी वाले हैं, आई डील विथ हिज वर्क, हम रिप्रेजेंट करते हैं उनका काम हमारी गैलरी में, हमने मैंने शोज भी किए हैं उनके यहाँ पे। बट अब मेरे लिए प्रोफेशन एक बात है,
पर उनसे जो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है दैट इज़ मोर प्राइमरी एंड मोर इम्पोर्टेंट टू मी एंड टू हिम एज वेल एंड आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप मच मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं कुछ पिछले 40 साल से जानता हूँ, एक्चुअली हम इकट्ठे ही पढ़े हैं सेम आर्ट स्कूल में, मेरे से ये कुछ साल पीछे थे। और फिर आई फाउंड मंजीत बाबा ए वेरी एडवेंचरस पर्सन। मैं पहाड़ों का बड़ा शौकीन हूँ और मुझे पता लगा कि मंजीत बाबा जो है वो भी ट्रैकिंग का बहुत शौकीन है। और फिर हम इकट्ठे हम पदरी पास तक ट्रैक करने गए, तो वो जो एक्सपीरियंस था पूरा 15 दिन का ट्रैकिंग, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और सुबह से लेकर शाम तक हम जब पहाड़ों में चलते थे और 10-11 हज़ार की फीट की हाइट पे, तो आई फाउंड वेरी एडवेंचरस। ही इज़ अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, इज़ वेरी टफ पर्सन। व्हाट स्ट्रक मी अबाउट हिम, बिकॉज़ दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ मीटिंग हिम, वाज़ हिज वार्म, हिज एबिलिटी टू मेक यू फील कम्प्लीटली एट होम। ही वाज़ वेरी फ्रेंडली, ही वाज़ I think he's a very kind person also. मंजीत जी एक इंसान के रूप में बहुत ही शानदार आदमी हैं, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही एक अच्छे मित्र हैं। और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो एक गुरु का भी उनका रूप है, क्योंकि अक्सर वो मेरे काम को डिस्कस करते रहते हैं और कोई ना कोई नई बात मुझे सिखा जाते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें बहुत मानता भी हूँ। बोल मिट्टी बाबा हो बोल मिट्टी हो बाबा हो तेनू केड़े गमाने मारे आवे पानिया खेसी।